गुड मॉर्निंग मॉडल स्टार्स, आज मैं आपके लिए पॉली हैव्स अ फ्रेंड का जो चैप्टर था उसका सेकेंड पार्ट लेके आई हूँ। यहाँ ऊपर पढ़िए, द स्लाइड पुल्ड आउट अ लार्ज हैंकरचीफ एंड स्टार्टेड क्राइंग, आई लव चिल्ड्रेन बट इफ आई डोंट गेट सम रेस्ट आई विल सून बिकम यूजलेस, आई विल बी थ्रोन इन टू द जंक हीप। वो क्या कहता है स्लाइड, एक क्या करता है, उस स्लाइड ने एक बड़ा सा रुमाल बाहर खींचा और रोने लगा, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन मैं अगर आराम नहीं करता हूँ तो बहुत जल्दी यूज़लेस हो जाऊँगा, बेकार हो जाऊँगा और किसी कूड़े कबाड़ में फेंक दिया जाऊँगा। ठीक है, फिर देखिए, पॉली वॉज क्वाइट फॉर सम टाइम देन शी सेड डोंट वरी आई विल हेल्प यू। पॉली कुछ समय के लिए चुप हो जाती है, फिर कहती है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। राइट देन शी saw two men painting a bench. She thought people will now have to wait for a few days to sit on that. Then she yelled, I have got it. वो क्या होता है उसके बाद, फिर कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, वो उसको दो आदमी दिखाई देते हैं बेंच पर पेंट करते हुए, तो वो सोचती है कि लोगों को कुछ समय के लिए इस पर बैठने का इंतज़ार करना होगा। फिर वो दूर से चिल्लाती है और कहती है मुझे पता चल गया है कि लोगों को कैसे समझाना है और कैसे वो इंतज़ार कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट फेज देखिए, शी ओपन हर बैग एंड टुक आउट अ रेड क्रेयॉन एंड अ शीट ऑफ पेपर, शी रोट समथिंग ऑन इट, देन शी स्टक द शीट ऑन द स्लाइड, जस्ट देन मदर कॉल्ड। फिर क्या होता है देखिए, उसने अपना बैग खोला, उसमें से उसने लाल क्रेयॉन कलर निकाला और एक पेपर शीट निकाली, मतलब कागज़ का टुकड़ा निकाला और उस पर उसने कुछ लिख दिया, उस स्लाइड पर उसने फंसा कर रख दिया। फिर उसको मम्मी ने बुला लिया, ठीक है, मदर कॉल, डोंट वरी पॉली टोल हर फ्रेंड एज शी रैन ऑफ, नाउ यू कैन रेस्ट एंड फील बेटर। ठीक है, फिर वो क्या कहती है, मम्मी ने बुला लिया, तुम चिंता मत करो। पॉली अपने उस दोस्त से कहते हुए चली जाती है, अब तुम आराम कर सकते हो और अच्छा महसूस कर सकते हो। ठीक है, वो ये बोलती है, मदर आस्क व्हाट आर यू डूइंग देयर, उसकी मम्मी कहती है तुम वहाँ क्या कर रही थी, वो कहती अ गुड थिंग, एक अच्छी चीज़ कर रही थी अपने दोस्त के लिए। आंसर पॉली, पॉली ने आंसर दिया कि मम्मी मैं वहाँ पर अपने दोस्त की मदद कर रही थी, उसको एक अच्छी चीज़ कर रही थी, वहाँ पर एक अच्छा काम कर रही थी, इसलिए उसकी मम्मी उससे पूछती है कि व्हाट आर यू डूइंग देयर अ गुड थिंग, मतलब वो क्या कर रही थी, उस लिख लिया था उसने और वहाँ पर उस स्लाइड पे फंसा के रख दिया था ताकि लोग उसे देखें और पढ़े और वो आराम कर सके वो स्लाइड। ओके, आप इसको पढ़िए और रीड करिए।